भारत और नेपाल सीमा पर दवाओं की हो रही तस्करी पर बोलते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि भारत नेपाल सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, वहां पर हमेशा तस्करी का खतरा बना रहता है, वहां पर ड्रग्स, शराब, गौ तस्करी का भी मामला सामने आया है जो कि प्रमुख अपराध है। उन्होंने कहा, इन सीमाओं का देश विरोधी ताकत फायदा उठाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, वहां पर हमेशा सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तस्करी के मामले में पुलिस एक्टिव है और गिरफ्तारी भी हुई है। एडीजी जोन ने कहा कि भारत नेपाल बॉर्डर पर एसपी और लोकल पुलिस अपने अपने दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं और सतर्कता बरत रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, वहाँ पे दवाओं की तस्करी बढ़ी है, अभी जल्द हाल ही में महाराज ने किस तरह से आगे कार्रवाई। देखिए, नेपाल बॉर्डर हमारी एक संवेदनशील बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, हमेशा ये खतरा बना रहेगा। वहाँ कभी ड्रग्स की, कभी शराब की, कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, गौ तस्करी की, ये सब प्रमुख अपराध हैं और इन सीमाओं का जो देश विरोधी ताकत है वो भी फायदा उठाने के नियत से लगे रहते हैं। तो हमेशा यहाँ सजगता की ज़रूरत है, उसी के तहत विभिन्न जो निरोधात्मक कार्रवाई है, प्रिवेंटिव एक्शन हो रही है, पुलिस अभी गिरफ्तार भी की है और इसमें एसएसबी, आपकी लोकल पुलिस, जो रेलवे पुलिस है, सब लोग अलर्ट हैं, अपने अपने दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी सूचना आती है अपने लेवल से सूचना भी डेवलप कर रहे हैं, अलर्टनेस रखे हुए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।